वही कि जो जियान आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मेरा नाम कुसुम सिंह है और मैं स्वर्गीय राजा साहब दत्तीगांव की धर्मपत्नी हूँ। वर्तमान जो राजा साहब राजवर्धन सिंह है वो मेरे बेटा है, बड़ा बेटा है मेरा। जमींदार परिवार की उपज मगर रहते हैं जमीन पर, राजघराने से आते हैं मगर राज करना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी जनता के दिलों पर। इनके नाम में तो राज है पर पहचान इनका कामकाज है। पूर्व एमएलए दिवंगत महाराज प्रेम सिंह दत्तीगांव जी के सुपुत्र राजवर्धन जी का राजनीतिक सफर काफी अलग रहा। शुरुआत में राजवर्धन जी का राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। मतलब अपने पिता के चुनाव प्रचार करने के लिए वो छुट्टी लेके आए थे। उनका मतलब उस वक्त भी उनका कोई राजनीति में पढ़ने का नहीं था। वो तो मतलब कि भाई हम पिता के लिए चुनाव प्रचार में सहयोग करेंगे, तो मतलब महीना दो महीना ऐसा छुट्टी लेके आए थे वो। दिल्ली में पढ़ाई के बाद जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय कंपनी में काम करने लगे। उनके पिता ने भी कभी उन्हें राजनीति से जुड़ने को नहीं कहा, मगर किसे पता था कि एक दिन राजवर्धन सिंह की जनसेवा का पताका राजनीतिक गलियारों में शान से फहराएगा। किस्सा है 1998 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का। कांग्रेस पार्टी की भीतरी खींचतान के कारण समीकरण कुछ यूं बिगड़ा कि अपने विधानसभा क्षेत्र की सेवा में तन मन धन अर्पण कर देने वाले महाराजा प्रेम सिंह जी को कांग्रेस ने टिकट देने से इनकार कर दिया। अपने पिता और जनता के साथ हुए इस अन्याय के प्रतिशोध में राजवर्धन जी को राजनीति में कदम रखना पड़ा। साहस जुटाया, निडरता दिखाई और बिना किसी पार्टी के झंडे के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए। परिणाम ये हुआ कि पहला चुनाव लड़ रहे राजवर्धन सिंह जी ने 30,000 मत एकत्रित कर खुद को बदनावर के लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। राजवर्धन जी चुनाव हार गए थे मगर उन्हें एहसास हुआ कि वे 30,000 से ज्यादा लोगों की उम्मीद हैं। वो जो वोट उनको मिले बदनावर से, मैं समझता हूँ किसी निर्दलीय को इतने वोट कभी बदनावर में नहीं मिले होंगे, और वो एक जाना पहचाना सा बदनावर में चेहरा बन गए। आज भी मेरे को ये याद है, बोले माँ 30,000 वोटर जो थे मेरे मतदाताओं का मैं ऋणी हूं। मातृभूमि और लोगों का भरोसा तोड़कर वे वापस जर्मनी में नौकरी करने नहीं जा सके और उन्होंने पूरा समय राजनीति में आकर लोगों के हक और तरक्की के लिए लड़ने का निर्णय लिया। आउट ऑफ हिज डिवोशन एज अ सन टू हिज फादर, उन्हें ये लगा कि नहीं मुझे सपोर्ट करना चाहिए, एंड आई डोंट थिंक उस वक्त उन्होंने एक सेकंड के लिए भी मुड़ के ये सोचा कि मेरा दाव पे वो पूरी जिंदगी या वो पूरा करियर है या जो वो तैयारी करके मेहनत करके एफर्ट करके अपना करियर बिल्ड करके एक अच्छी खासी लाइफ एक मेट्रो में छोड़ के या अब्रॉड का सब छोड़ के, और वो आ गए। तो उन्होंने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा, एंड आई थिंक दैट इज कमेंडेबल।